हेलो एवरीवन वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा ये है लेक्चर सेवन ऑफ ओ लेवल आईटी कोर्स मॉड्यूल कोड एम टू आर फाइव वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग आज हम कंटिन्यू करेंगे एच चैप्टर को और आज हम पढ़ने वाले हैं टेबल टैग और लिस्ट टैग के बारे में तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बात करते हैं एच टेबल के बारे में एच टी एम एल टेबल टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्म रो इन टू कॉलम सो एच टी एम एल टेबल टैग का इस्तेमाल करके हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करा सकते हैं देयर कैन बी मैनी कॉलम्स इन अ रो एक रो में बहुत से कॉलम्स भी हो सकते हैं वी कैन क्रिएट अ टेबल टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्म बेसिकली हम टेबल को क्रिएट करते हैं ताकि हम डेटा को टेबलर फॉर्म में डिस्प्ले करवा सकें यूजिंग द टेबल एलिमेंट तो ये इम्पॉर्टेंट है कि टेबल एलिमेंट का इस्तेमाल करके हम एच में टेबल को क्रिएट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द टी आर टी डी एंड टी एच एलिमेंट्स तो एच में टेबल क्रिएट होता है टेबल एलिमेंट का इस्तेमाल करके और इसके साथ साथ हम इस्तेमाल करते हैं टी आर टी डी और टी एच एलिमेंट्स का इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं द एच टी एम एल टेबल अलाउज वेब ऑथर्स टू अरेंज डेटा लाइक टेक्स्ट इमेज लिंक्स अदर टेबल्स एक्सेट्रा इन टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ द सेल्स तो एच टी एम एल टेबल अलाउ करता है वेब ऑथर्स को जिससे वो डेटा जैसे कि टेक्स्ट इमेज लिंक या फिर अदर टेबल्स को कॉलम्स और रोज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं द एच टी एम एल टेबल्स आर क्रिएटेड यूजिंग द टेबल टैग ये हम पहले ही देख चुके हैं कि एच टी एम एल टेबल क्रिएट होती है टेबल टैग का यूज़ करके इन विच द टेबल हैडर इज डिफाइंड बाई टी एच ये इंपॉर्टेंट है कि एच टी एम एल का हैडर डिफाइन होता है टी एच टैग से टी आर टैग इज़ यूज टू क्रिएट टेबल रोज और टेबल के जो रोज होती हैं वो क्रिएट होती है टी आर टैग का इस्तेमाल करके एंड टी डी टैग इज़ यूज टू क्रिएट डेटा सेल्स जो टेबल के अंदर डेटा होता है उसको क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टी डी टैग का द एलिमेंट्स अंडर टी डी आर रेगुलर एंड लेफ्ट अलाइंट बाई डिफॉल्ट तो जो भी एलिमेंट्स हम सेल्स के अंदर लिखते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं रेगुलर होते हैं और लेफ्ट अलाइंड होते हैं मतलब लेफ्ट से शुरू होते हैं नेक्स्ट बात करते हैं टेबल हेडिंग के बारे में टेबल हेडिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग टी एच टैग तो टी एच टैग का इस्तेमाल करके हम टेबल हेडिंग को डिफाइन करते हैं दिस टैग विल बी पुट टू रिप्लेस टी डी टैग तो टी एच टैग का इस्तेमाल हम टी डी टैग के रिप्लेसमेंट के तौर पर करते हैं और टी डी टैग इज़ यूज टू रिप्रजेंट एक्चुअल डेटा सेल जो सेल में डेटा होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम टी डी टैग की हेल्प से नॉर्मली यू विल पुट योर टॉप रो एज टेबल हैडिंग एज शोन बिलो नॉर्मली क्या होता है हम अपने टेबल के टॉप रो को टेबल हैडिंग बनाते हैं अदरवाइज यू कैन पुट टी एच एलिमेंट इन एनी रो अदरवाइज हम टी एच एलिमेंट को किसी भी रो के लिए यूज़ कर सकते हैं हेडिंग्स विच आर डिफाइंड इन टी एच टैग आर सेंटर्ड एंड बोल्ड बाई डिफ़ॉल्ट तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हेडिंग्स टी एच टैग से डिफाइन होती है वो बाई डिफ़ॉल्ट कैसी होती है सेंटर्ड होती है और बोल्ड होती हैं तो इसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बाई डिफ़ॉल्ट वो जो हैडिंग होती है वो सेंटर्ड होती है और बोल्ड होती है द बॉर्डर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल टैग एंड इट इज यूज टू पुट अ बॉर्डर अक्रॉस ऑल द सेल्स अब बॉर्डर क्या होता है टेबल टैग का एक एट्रीब्यूट होता है और बॉर्डर का इस्तेमाल करके हम सेल्स के चारों ओर एक बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं इफ यू डू नॉट नीड अ बॉर्डर देन यू कैन यूज बॉर्डर इज इक्वल टू जीरो अगर हमें बॉर्डर की नीड नहीं है तो सिंपली हम बॉर्डर इज इक्वल टू ज़ीरो पे लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ है तो जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में समझ में आता है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं तो बात करते हैं एग्जाम्पल की यहाँ पे एक एग्जाम्पल है डॉग टाइप एच टी एम एल एच टी एम एल हैड टाइटल इज एच टी एम एल टेबल हेडर टाइटल को क्लोज कर दिया देन हेड को क्लोज कर दिया बॉडी को स्टार्ट किया टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वन अब यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू वन का मतलब क्या है कि हम अपने टेबल में बॉर्डर को चाहते हैं उसके बाद हमने टी आर लिखा अब इस टी आर का मतलब क्या है टेबल रो मतलब पहली रो टेबल की उसके बाद टी एच लिखा नेम और टी एच को बंद किया देन टी एच सैलरी और टी एच को बंद किया इट मीन्स नेम और सैलरी क्या बन जाएंगी टेबल हेडिंग क्योंकि यहाँ पे टी एच लिखा हुआ है इसके बाद हमने इस रो को क्लोज कर दिया फिर नेक्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे टी में रमेश रमन टी को क्लोज किया टी में फाइव थाउजेंड टी को क्लोज कर दिया उसके बाद टी को क्लोज कर, कर दिया नेक्स्ट रो क्रिएट करेंगे टी में शबीर हुसैन टी को क्लोज कर दिया देन टी में सेवन थाउजेंड टी को क्लोज कर दिया उसके बाद टी बंद किया टेबल बंद किया बॉडी को क्लोज किया एंड एच को क्लोज किया उसके बाद हम देखते हैं इसका आउटपुट तो रिजल्ट के तौर पे क्या आ जाएगा नेम और सैलरी हमें हेडिंग की तरह दिख रहे हैं और रमेश रमन फाइव थाउजेंड एंड शबीर हुसैन विद द सैलरी सेवन थाउजेंड और यहाँ पे हमें टेबल का बॉर्डर भी दिख रहा है मतलब हर एक सेल में क्या है बॉर्डर आ गया है तो इस तरीके से हम टेबल हेडिंग और बॉर्डर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं इन एच टेबल आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग एटरीब्यूट्स के बारे में देयर आर टू एट्रीब्यूट्स कॉल्ड सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग विच यू विल यूज टू एडजस्ट द द्ड स्पेस इन योर टेबल सेल्स तो सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग दो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं टेबल अटैक के और इनका इस्तेमाल हम करते हैं टेबल सेल्स में वाइट स्पेस को एडजस्ट करने के लिए मतलब खाली स्थान को एडजस्ट करने के लिए द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइंस स्पेस बिटवीन टेबल सेल तो सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम टेबल के सेल्स के बीच में डिस्टेंस या फिर स्पेस कितना आएगा ये डिफाइन करते हैं और सेल पैडिंग रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन सेल बॉर्डर एंड द कंटेंट इन अ सेल और सेल पैडिंग का इस्तेमाल करके हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि सेल बॉर्डर और सेल कंटेंट में कितना डिस्टेंस रहने वाला है तो ये डेफिनेशन है सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग एट्रीब्यूट्स की जिसे आपको याद रखना है तो सेल स्पेसिंग क्या करता है ये बताता है कि टेबल के सेल्स के बीच में कितना स्पेस रहने वाला है और एक हमारा होता है सेल पैडिंग और सेल पैडिंग क्या बताता है ये बताता है कि सेल बॉर्डर्स और सेल के कंटेंट के बीच में कितना डिस्टेंस रहने वाला है अब बात करते हैं एग्जाम्पल की तो यहाँ पे है डॉक टाइप एच टी एम एल एच टी एम एल देन हेड टाइटल में एच टी एम एल टेबल सेल पैडिंग टाइटल को बंद किया उसके बाद हेड को बंद किया बॉडी को स्टार्ट किया टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वन किया है सेल पैडिंग को फाइव किया है और सेल स्पेसिंग को भी फाइव किया है उसके बाद ये सेम एग्जाम्पल है वही नेम और सैलरी को हमने हेडिंग बनाया है और फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है रमेश रमन फाइव थाउजेंड सैलरी है इसकी और सेकेंड रो में है शब्बीर हुसैन विद सेवन थाउजेंड सैलरी तो हमारे टेबल में तीन रो होने वाली है फर्स्ट रो क्या हो जाएगी टेबल की हेडिंग सेकेंड रो में हो जाएगा रमेश रमन एंड थर्ड रो में हो जाएगा शब्बीर हुसैन उसके बाद हमने टेबल को क्लोज कर दिया बॉडी को क्लोज कर दिया और एंड में एच टी एम एल को क्लोज कर दिया अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है तो देखिए इसके आउटपुट में क्या आया है टेबल आया है और टेबल में क्या है नेम है सैलरी है और रमेश रमन 5000, शबीर हुसैन 7000 सब कुछ है लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है अब देखिए जो दो सेल्स है टेबल के उनके बीच में क्या आ गया है डिफरेंस आ गया है क्योंकि हमने सेल पैडिंग की जो वैल्यू है उसको हमने फाइव किया हुआ है सेल पैडिंग की वैल्यू को फाइव किया हुआ है और सेल स्पेसिंग की वैल्यू को फाइव किया हुआ है तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं पहले के रिजल्ट से तो अब क्या हो गया है दो सेल्स के बीच में जो जगह आएगी देखो ये जगह है ये बढ़ गई है तो ये स्पेसिंग क्या हुई है इंक्रीज हो गई है तो इसे बोलते हैं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग भी फाइव है तो इससे क्या हो जाएगा जो टेबल कंटेंट है जैसे कि नेम नेम और टेबल का बॉर्डर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये भी इंक्रीज हो जाएगा विद द फाइव यूनिट्स तो इस तरीके से सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स का हम इस्तेमाल करते हैं ये दोनों टर्म्स इम्पॉर्टेंट है इन्हें आप अच्छे से समझ के याद कर लेना आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन एट्रीब्यूट्स के बारे में यू विल यूज कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इफ़ यू वॉन्ट टू मर्ज टू और मोर कॉलम्स इंटू अ सिंगल कॉलम तो यहाँ पे दो और एट्रीब्यूट्स है कॉल्स पेन और रोज पेन एट्रीब्यूट्स पहले बात करते हैं कॉल्स पेन एट्रीब्यूट के बारे में तो हम कॉल्स पेन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमें दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को एक ही कॉलम में मिलाना होता है या फिर मर्ज करना होता है सिमिलर वे यू विल यूज रोज पेन इफ़ यू वॉन्ट टू मर्ज टू और मोर रोज अगर आपको दो या दो से ज़्यादा रोज़ को मिलाकर एक सिंगल रो बनानी होती है तो तब हम इस्तेमाल करते हैं रो स्पैन एट्रीब्यूट्स का तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं डॉक टाइप एच टी एम एल एच टी एम एल हैड टाइटल इसके बाद हेड को बंद किया देन बॉडी को स्टार्ट किया टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वन रखा है अब टी आर में क्या होगा टी एच कॉलम वन टी एच कॉलम टू एंड टी एच कॉलम थ्री मतलब तीन कॉलम होंगे और तीन कॉलम की क्या होंगी हेडिंग्स होंगी और यहाँ पे क्या है टी आर है टी आर को बंद कर दिया नेक्स्ट टी आर को स्टार्ट किया टी डी रोज पेन इज इक्वल टू टू अब ये बात है समझने वाली यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे हमने क्या किया टी डी लिखा और रोज पेन को टू कर दिया उसके बाद लिखा कंटेंट रो वन सेल वन टी डी को बंद किया फिर टी को स्टार्ट किया रो वन सेल टू टी को बंद किया फिर टी को स्टार्ट किया रो वन सेल थ्री टी को बंद कर दिया और एंड में टी को बंद कर दिया अब बात करते हैं इस टी रो रोज पेन टू के बारे में तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रो वन सेल वन लिखा है ना ये दो रोस को मिलाकर एक जगह ही लिखा जाएगा क्योंकि हमने रो पेन को टू कर दिया है मतलब दो रो कम्बाइन हो जाएगी और कम्बाइन में क्या जाएगा? One, one आ जाएगा रो वन सेल वन आ जाएगा और इसके बाद हमने एक और रो बनाई है जिसमें कि टी डी रो टू सेल टू लिखा है और टी डी रो टू सेल थ्री लिखा है इसके बाद हमने क्या किया एक और रो बनाई और यहाँ पे लिखा है टी डी कॉल्स पेन इज इक्वल टू थ्री अब हमने कॉलम्स को मर्ज कर दिया और तीन मतलब तीनों कॉलम्स को आपस में मर्ज कर देंगे और कंटेंट में आ जाएगा रो थ्री सेल वन और टी को बंद किया टी को बंद किया टेबल को बंद किया बॉडी और एच को भी क्लोज कर दिया अब समझते हैं इसके आउटपुट को तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम थ्री तीनों बन गए हमारे टेबल की हेडिंग उसके बाद हमने यहाँ पे रो पेन इज इक्वल टू टू दिया था और रो वन सेल वन दिया था मतलब जो दो रो है मेरी वो दोनों आपस में मर्ज हो गई और उसमें जो कंटेंट आएगा वो आएगा रो वन और सेल वन उसके बाद जो आगे कंटेंट है वो है रो वन सेल टू और फिर है रो वन सेल थ्री बात करते हैं नेक्स्ट रो की तो इसमें आ जाएगा रो टू सेल टू और रो टू सेल थ्री तो यहाँ पे आ गया रो टू सेल टू और रो टू सेल थ्री अब क्या हुआ जो अगली रो है उसमें हमने क्या कर दिया टी डी कॉल स्पेन इज इक्वल टू थ्री मतलब जो आपकी तीसरी रो होने वाली है उसमें हमने क्या कर दिया रो थ्री सेल वन डाल दिया और तीनों कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दिया यहाँ पे कॉल स्पेन इज इक्वल टू थ्री का मतलब क्या है कि तीनों कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दो तो ये तीनों कॉलम आपस में मर्ज हो गए और कंटेंट आ गया रो थ्री सेल वन तो इस तरीके से हमने कॉल पेन और रो पेन एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया नेक्स्ट इज टेबल हाइट एंड विथ यू कैन सेट अ टेबल विथ एंड हाइट यूजिंग द विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स तो विथ और हाइट एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके हम टेबल की हाइट और विथ को सेट कर सकते हैं मतलब लंबाई और चौड़ाई को हम सेट कर सकते हैं यू कैन स्पेसिफाई टेबल विथ और हाइट इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्क्रीन एरिया तो हम हाइट और विथ को पिक्सल्स या फिर परसेंटेज के टर्म्स में भी दे सकते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की तो डॉक्टाइप एच टी एम एल एच टी एम एल हैड टाइटल में एच टी एम एल टेबल विथ स्लैश हाइट टाइटल को क्लोज कर दिया उसके बाद हेड को बंद किया बॉडी को स्टार्ट किया टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वन विथ फोर हंड्रेड हाइट वन फिफ्टी टी आर को स्टार्ट किया टी डी रो वन कॉलम वन टी डी रो वन कॉलम टू उसके बाद टी आर को बंद किया नेक्स्ट टी आर को स्टार्ट किया टी डी रो टू कॉलम वन और टी डी रो टू कॉलम टू उसके बाद टी आर को बंद किया टेबल को बंद किया बॉडी को बंद किया और एच टी एम एल को भी बंद कर दिया अब बात करते हैं इसके आउटपुट की तो यहाँ पे देखते हैं आउटपुट में क्या आता है तो यहाँ पे देखिए जो टेबल आया है उसकी हाइट और विथ दोनों ही इंक्रीज हो गई है तो ये हमारे टेबल की विथ है डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको और ये हमारे टेबल की हाइट है जिसे मैं H से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो दोनों ही क्या हो गई है इंक्रीज हो गई है तो जो हाइट है वो वन से बढ़ गई है और विथ फोर से बढ़ गई है और बॉर्डर को तो हमने ऑलरेडी ही वन करा हुआ था तो इस तरीके से हम हाइट और विथ एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करके टेबल की हाइट या विथ को सेट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एच टी एम एल लिस्ट टैग के बारे में एच टी एम एल ऑफर्स वेब ऑथर्स थ्री वेज फॉर स्पेसीफाइंग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन तो एच टी एम एल में हम तीन टाइप की लिस्ट को स्पेसिफाई कर सकते हैं ऑल लिस्ट मस्ट कंटेन वन और मोर लिस्ट एलिमेंट्स तो लिस्ट में एक या एक से ज़्यादा लिस्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं लिस्ट में कंटेन अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट के बारे में फर्स्ट इज़ यू एल एन अनऑर्डर्ड लिस्ट दिस विल लिस्ट आइटम यूजिंग द प्लेन बुलेट्स तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो आइटम्स होते हैं वो किसी ऑर्डर में नहीं होते हैं उन्हें हम प्लेन बुलेट से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट इज ओयल एन ऑर्डर लिस्ट दिस विल यूज डिफरेंट स्कीम्स ऑफ नंबर्स टू लिस्ट योर आइटम्स तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है हम उन आइटम्स की लिस्ट बनाते हैं जो एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं और ऑर्डर को दिखाने के लिए हम नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स या फिर न्यूमरल्स का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट इज डी एल अ डेफिनेशन लिस्ट दिस योर आइटम्स इन द सेम वे एज दे आर अरेन्ज्ड इन अ डिक्शनरी तो डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हम आइटम्स को डिक्शनरी के फॉर्मेट में अरेंज करते हैं जिस तरीके से वो डिक्शनरी में अरेंज होते हैं उस तरीके से आइटम्स को अरेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेशन लिस्ट का तो यह है तीन टाइप की डिफरेंट लिस्ट फर्स्ट बात करते हैं एच टी एम एल अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स नो स्पेशल ऑर्डर और सीक्वेंस तो अनऑर्डर्ड लिस्ट उन आइटम से मिलके बनती है जिन आइटम्स में कोई स्पेशल ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होती है मतलब ऐसे आइटम्स जो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में रखते हैं दिस लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग द यू एल टैग आपको ये टैग याद रखना है कि कौन से लिस्ट के लिए हम कौन से एच एम एल टैग को यूज़ करते हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एच टी एम एल का यूएल मीन अनऑर्डर्ड लिस्ट ईच आइटम इन द लिस्ट इज मार्क्ड विद बुलेट और जो भी आइटम्स अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आते हैं वो सब बुलेट से मार्क किए जाते हैं मतलब उनके लिए हम बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं अब बात करते हैं द टाइप एट्रीब्यूट के बारे में यू कैन यूज टाइप एट्रीब्यूट फॉर यू एल टैग टू स्पेसीफाई द टाइप ऑफ बुलेट यू लाइक तो टाइप एट्रब्यूट का इस्तेमाल हम करते हैं यू एल टैग के साथ ये स्पेसीफाई करने के लिए कि हमें किस टाइप की बुलेट चाहिए बाई डिफ़ॉल्ट इट इज अ डिस्क तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाई डिफ़ॉल्ट बुलेट किस टाइप की होती है तो बाई डिफ़ॉल्ट डिस्क मतलब कुछ इस टाइप की बुलेट होती है फॉलोविंग आर द पॉसिबल ऑप्शन्स तो हम बात करते हैं ऑप्शन के बारे में कि कौन से बुलेट्स के पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं तो वो ऑप्शन क्या है? यू एल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर अब देखिए स्क्वायर को हमने लिखा है छोटे में और यहाँ पे हमने डबल कोड्स का इस्तेमाल किया है मतलब लोअर केस में हमें टाइप में वैल्यू डालनी है और इसके बाद नेक्स्ट है डिस्क और अगला है सर्कल तो तीन टाइप के डिफरेंट बुलेट्स हम यूज कर सकते हैं यूएल टैग के साथ तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल वेयर वी यूज यूएल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर तो इस एग्जाम्पल में हम इस्तेमाल करेंगे यूएल टाइप इज इक्वल टू इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो राइट यू एल टाइप इज इक्वल टू डिस्क एंड सर्कल तो आप डिस्क और सर्कल के साथ भी सेम एग्जाम्पल को रन करवा सकते हैं और अगर आप टाइप में कुछ भी नहीं लिख रहे हैं इट मीन्स आपके पास क्या आएगा बाय डिफॉल्ट डिस्क टाइप की बुलेट आएंगी तो so, एग्जाम्पल देखते हैं डॉक टाइप एच टी एम एल एच टी एम एल हैड टाइटल में एच टी एम एल अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइटल को बंद किया हेड हेड को बंद किया बॉडी यू एल टाइप इज इक्वल टू स्क्वेयर यहाँ पर हमने लिख दिया यू एल टाइप इज इक्वल टू स्क्र अब यहाँ पर यू एल तो हमने स्टार्ट कर दिया मतलब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है लेकिन इसके आइटम्स को डिफाइन करेंगे हम एलाई टैग से तो ये इम्पॉर्टेंट है कि लिस्ट आइटम को हम किस टैग से रिप्रजेंट करते हैं तो वो होता है एलाई टैग तो यहाँ पर हम लिस्ट आइटम को लिख सकते हैं एल आई टैग के हेल्प से तो फर्स्ट है एल आई में बीट रूट और इसके बाद एल आई को क्लोज कर दिया देन एल आई में जिंजर देन पोटैटो एंड देन रेडिश और उसके बाद हम अपने यू एल को भी क्लोज कर देंगे बॉडी को क्लोज करेंगे और एंड में एच टी एम एल को क्लोज कर देंगे तो इसके बाद स्क्रीन पे क्या रिजल्ट आएगा ये देखते हैं तो स्क्रीन पे क्या आ गया बीट रूट जिंजर पोटैटो और रेडिश ये लिस्ट में आ गए हैं और इन लिस्ट में जो बुलेट्स हैं वो है स्क्वायर टाइप ऑफ बुलेट्स तो इस तरीके से हम टाइप एट्रीब्यूट में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल के डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स के साथ अपनी लिस्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एच टी एम एल ऑर्डर लिस्ट के बारे में इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू पुट योर आइटम्स इन अ लिस्ट ऑफ बुलेटेड देन एच टी एम एल ऑर्डर तो अगर आपको अपने आइटम्स को रखना है एक नंबर्ड लिस्ट में इंस्टेड ऑफ बुलेटेड लिस्ट तो तब हम यूज करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट का दिस लिस्ट इज क्रिएटेड बाई यूजिंग ओवल टैग तो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओ एल टैग का ओमेंस ऑर्डर्ड एलिमेंट लिस्ट द नंबरिंग स्टार्ट एट वन एंड इज इंक्रीमेंटेड बाय वन फॉर ईच सक्सेसिव ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट टैग्ड विद एल तो जो लिस्ट की नंबरिंग होती है आइटम्स के साथ वो स्टार्ट होती है वन से और हर आइटम्स के साथ वो नंबरिंग बढ़ती रहती है बाय वन जैसे ही हम एल टैग का इस्तेमाल करके आइटम्स को ऐड करते रहते हैं उसी के साथ साथ नंबरिंग भी वन बाय वन इंक्रीमेंट होती रहती है नेक्स्ट इज़ द टाइप एट्रीब्यूट तो ol टैग के साथ भी हम टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं यू कैन यूज़ टाइप एट्रीब्यूट फॉर ओवल टैग टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नंबरिंग यू लाइक हमें किस टाइप की नंबरिंग चाहिए उसके लिए हम टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं बाई डिफ़ॉल्ट इट इज अ नंबर फॉलोइंग आर द पॉसिबल ऑप्शंस तो आपको ये नोट करना है कि बाई डिफॉल्ट जो नंबरिंग होती है वो एक नंबर के साथ आती है तो अब बात करते हैं पॉसिबल ऑप्शन के बारे में सो ओवल टाइप इज इक्वल टू वन ये क्या होता है डिफॉल्ट केस न्यूमरल्स होते हैं वन टू थ्री फोर जो हमारी काउंटिंग होती है वो डिफॉल्ट केस होता है नेक्स्ट इज ओवल टाइप इज इक्वल टू आई अब ये आई क्या है ये रोमन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे तो अपर केस न्यूमरल्स ओवेल टाइप स्मॉल आई मीन्स लोअर केस न्यूमरल्स देन ओवल टाइप कैपिटल ए एंड ओवेल टाइप इज इक्वल टू स्मॉल ए तो कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है अपर केस लेटर्स को और स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर केस लेटर्स को तो इस तरीके से हमारे पास पांच डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबल ऑप्शन होते हैं ओएल टैग में नंबरिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं फॉलोइंग इज एन एग्ज़ाम्पल वेयर वी यूज ओएल टाइप इज इक्वल टू आई का इस्तेमाल हमने किया है तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल डॉक टाइप एच टी एम एल एच टी एम एल हैड टाइटल में एच टी एम एल ऑर्डर्ड लिस्ट टाइटल को बंद किया हेड को बंद किया देन बॉडी को स्टार्ट किया ओवल टाइप इज इक्वल टू आई उसके बाद एल आई में बीट रूट जिंजर पोटैटो रेडिश उसके बाद ओवल को बंद किया बॉडी को बंद किया एंड देन एच टी एम एल को बंद किया तो अब बात करते हैं इसके आउटपुट की तो आउटपुट में देखिए वन इज़ बीट रूट सेकेंड पे जिंजर थर्ड पोटैटो एंड फोर्थ रेडिश तो रोमन न्यूमरल्स में हमारी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ़ वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ़ नंबरिंग के साथ अपने लिस्ट आइटम्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ लिस्ट के बारे में एच टी एम एल डेफिनेशन लिस्ट एच टी एम एल एंड एक्स एच टी एम एल सपोर्ट स्टाइल विच इज़ कॉल्ड एज डेफिनेशन लिस्ट वेयर एंट्रीज आर लिस्टेड लाइक इन अ डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया सो जिस तरीके से डिक्शनरी और इन्साइक्लोपीडिया में एंट्रीज को लिस्ट किया जाता है उस तरीके से हम आइटम्स को लिस्ट करते हैं डेफिनेशन लिस्ट में द डेफिनेशन लिस्ट इज द आइडल वे टू प्रेजेंट अ ग्लॉसरी लिस्ट ऑफ़ टर्म्स और अदर नेम वैल्यू लिस्ट तो डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल करके हम ग्रॉसरी लिस्ट ऑफ़ टर्म्स और अदर नेम वैल्यू लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेफिनेशन लिस्ट मेक यूज़ ऑफ़ द फॉलोइंग थ्री टैग्स तो फॉलोइंग थ्री टैग्स का इस्तेमाल करके हम डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट करते हैं सो फर्स्ट इज डी एल डिफाइन्स द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट मतलब डी एल मीन्स हम लिस्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट इज डी टी अ टर्म एंड डी डी इज टर्म डेफिनेशन और उसके बाद हम क्लोज करते हैं लिस्ट को या फिर एंड करते हैं लिस्ट को विद द स्लैश डी एल टैग तो इस तरीके से ये तीन इम्पॉर्टेंट टैग है जिनकी हेल्प से हम डेफिनेशन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं अब एग्जाम्पल को देखते हैं डॉक टाइप एच टी एम एल एच टी एम एल हैड टाइटल एच टी एम एल डेफिनेशन लिस्ट टाइटल को क्लोज़ किया देन हेड को क्लोज किया बॉडी को स्टार्ट किया डी एल मीन्स डेफिनेशन लिस्ट को यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं देन डी टी में बी इज़ फॉर बोल्ड एच टी एम एल देन बी को क्लोज किया फिर डी टी को भी क्लोज कर दिया मतलब टर्म then dd is term definition this stands for hypertext markup language fir se close kar diya next dobara dd ko start kiya then bold mein http bold ko close kiya aur dd ko close kiya fir se term definition start kari this stands for hypertext transfer protocol aur dd को close कर दिया. फिर डी एल को क्लोज कर दिया बॉडी को क्लोज कर दिया और एच टी एम एल को भी क्लोज कर दिया तो बात करते हैं इसके आउटपुट की तो स्क्रीन पे क्या आया एच टी एम एल दिस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज एंड एच टी टी पी दिस स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अब आप लोग जानते हैं कि एच टी एम एल डिक्शनरी में पहले आता है और एच टी टी पी डिक्शनरी में बाद में आता है इसीलिए ये सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो रहे हैं अदरवाइज़ अगर मैं इनको ऊपर नीचे लिखती तो ये इनका ऑर्डर चेंज करके इसे डिस्प्ले करता ऑन द स्क्रीन तो इस तरीके से डेफिनेशन लिस्ट काम करती है इन एच टी एम एल आज की वीडियो में हमने समझा एच टी एम एल टेबल टैग और लिस्ट टैग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे एच टी एम एल फॉर्म के बारे में तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ओलेवल जी एस अड्डा यूट्यूब चैनल को और आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे गिवन है और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है तो इसी तरीके से बने रहिए ओ लेवल जीएस अड्डा चैनल के साथ कीप लर्निंग थैंक यू सो मच